हेलो गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे टाटा स्काई डीटीएच के बारे में ही, और बताऊंगा दोस्तों टाटा स्काई डीटीएच 15 साल बाद अपने बिजनेस को नए रूप में देने जा रहा है, उसी को लेकर अपडेट है। तो बने रहिए इस वीडियो में, और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में आपको बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों बता दूँ, टाटा स्काई डीटीएच अब पूरी तरीके से रिब्रांड होने के लिए तैयार हो चुका है। टाटा स्काई डीटीएच की तरफ से ऑफिशियली टाटा प्ले का एडवर्टाइजमेंट भी जारी कर दिया गया है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर सैफ अली खान और करीना कपूर है। इन दोनों के ब्रांडिंग के साथ ही देख सकते हैं कि स्क्रीन पे भी मैं डाल देता हूं, और साथ ही टाटा स्काई प्ले का नया लोगो भी अब आपको देखने को मिलने वाला है। बेसिकली टाटा स्काई के जितने भी एग्जिस्टिंग सेट टॉप बॉक्स है उस पर OTA सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, उसके बाद टाटा स्काई जहाँ है वो टाटा प्ले बन जाएगा। और 15 साल बाद बदलने जा रहा टाटा स्काई का नाम, कंपनी ने बढ़ाया कारोबार, अब आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज। टाटा स्काई तो नाम सुना ही होगा, लेकिन अब टाटा स्काई का नाम बदल रहा है। जी हाँ, हम DTH कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, 15 साल के पुरानी कंपनी टाटा स्काई की बात कर रहे हैं, जिसका स्लोगन है इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो दरअसल DTH कंपनी ने सालों बाद अपने ब्रांड नाम से स्काई सब को हटाने का फैसला लिया है, और इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर के मुताबिक अब कंपनी का नया नाम टाटा प्ले होगा। बता दें कि वर्तमान में टाटा स्काई ने 16 मिलियन से अधिक एक्टिव कस्टमर्स हैं। कंपनी DTH सर्विस के अलावा फाइबर टू होम ब्रॉडबैंड के सर्विसेज भी दे रही है। साथ ही दोस्तों बता दूं आपको कि टाटा प्ले और टाटा बिंज के पास आपको 14 प्रमुख OTT ऐप शामिल है, जिसमें हाल ही में नेटफ्लिक्स को भी शामिल किया गया है। टाटा प्ले के MD और CEO हरित नागपाल ने बताया है कि हमने शुरुआत में DTH कंपनी के तौर पर शुरुआत की थी, लेकिन अब हम कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बन गए हैं, क्योंकि ग्राहकों की ज़रूरत बदल रही है और OTT प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट कर उपभोग कर रहे हैं। हम एक मंच बनाना चाहते हैं और उन्हें एक इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं, इसलिए हमने बिंज लॉन्च किया है। एक विशेष ब्रॉडबैंड बिजनेस भी कर रहे हैं, और CEO ने भी कहा है कि DTH उनका सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला व्यापार है और ये हमारा सबसे बड़ा व्यापार बना रहेगा। वहीं OTT भी बड़ा होने वाला है, और इस प्रकार से एक ब्रांड पहचान का समय है जो DTH व्यवसाय से बिल्कुल ही अलग रहने वाला है। टाटा सन्स और रूपर्ट मोडक के स्वामित्व वाली 21वीं सेंचुरी में फॉक्स ने 80:20 यानी कि 80/20 के जॉइंट वेंचर के रूप में लॉन्च होने के बाद टाटा स्काई ने 2006 में परिचालन शुरू किया था, यानी कि सर्विसेज देना शुरू किया था। इसके बाद फॉक्स और टाटा समूह के TS इन्वेस्टमेंट का गठन किया गया। टाटा स्काई में 20% हिस्सेदारी है, जिसमें फॉक्स को 9.8% की अतिरिक्त हिस्सेदारी दी। बाद में जब मर्डरको और फॉक्स ने मनोरंजन व्यवसाय को वॉल्ट डिज्नी कंपनी को बेच दिया, तो टाटा स्काई ने हिस्सेदारी भी माउस कंपनी के हस्तांतरित कर दी गई थी। लेकिन अब जो पूरी की पूरी शेयर होल्डर है दोस्तों, अब टाटा स्काई के पास आ गया है, टाटा सन्स के पास आ चुका है, और 15 साल बाद ये बिजनेस बदल चुका है। अब कभी भी हो सकता है 27 तारीख यानी कल ही आपको टाटा स्काई की जगह टाटा प्ले देखने को मिलेगा। और जितने भी टाटा के वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे, जहाँ पे टाटा प्ले बिंज आपको देखने को मिल रहा होगा, पैकेजेस में आपको नाम बदलता हुआ नज़र आएगा। टाटा स्काई का जो नया डिश एंटीना भी आ चुका है, जिसमें टाटा प्ले के नाम से लिखा गया है, और लोगों ने उसका स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं जिस तरीके से बनाया गया है। तो अब टाटा स्काई टाटा प्ले के नाम से आने वाले दिनों में अब जानने को मिलेगा। होप से गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरीके का अपडेट्स पाने के लिए दोस्तों बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स लॉट। सब्सक्राइब कीजिए इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को, साथ ही दोस्तों बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। धन्यवाद।